आज तो ये भी नाइट सूट नया लग रहा है। नहीं अरे यार पहना हुआ पहले। बेबी ये तो नया है। नहीं तुम तीन चार एक साथ नए लाई हो, अब वो बैक टू बैक खोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी एक आदत से तुम पकड़ी गई आज। कैसे? जब तुम नई चीज लाती हो तो तुम उसे तुरंत पहनती हो, तो वो तीनों तुमने लाइन से पहने हैं। ऐसा है ही नहीं। तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है एंड आई थिंक अभी तो 10:30 ही बज रहे होंगे, लेकिन मैं किचन में बैठी हुई हूँ आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हो रहा है एक्वागार्ड का काम चल रहा है। अब इनसे पहली बार हम लोग एक्वागार्ड का कुछ फिल्टर चेंज करा रहे हैं, बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा था, पानी रुक गया था। ये सब यहाँ से आए हैं, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, और भैया ने कहा है कि सही काम करके देंगे, ऐसा आपने कहा है ना। तो सुबह सुबह ये सब काम कराने मतलब बड़े भारी पड़ जाते हैं, बट आई एम सिटिंग हियर क्योंकि अविनाश अंदर काम कर रहा है और मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ कि फिल्टर कैसे चेंज होता है। उसके बाद मैं नहाऊंगी, चेंज करके कॉफी वॉफी पीऊंगी। ये दोनों किचन में घूम रही है यहाँ पे, मुझे दिखाना वो फिल्टर खोल के दिखाना जरा क्या है। तो पता नहीं अभी कोई नया चिप सिस्टम निकला है। ये चिप लगाया, ये चिप लगाया आपने? नहीं अभी, अभी लगाना है। मैं लगा रहा हूँ चेक करने के लिए सर। हाँ ये पहले नहीं था मैम, ये कंपनी ने ऐसा मशीन बना दी है, ज्यादा पानी आप यूज मत कर। दीदी वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा भी पानी फालतू में यूज करते रहते हैं ना भर भर के, तो वो भी मत करो, सिर्फ पीने भर का पानी यूज करो, वरना ये फिर खराब हो जाएगा। ए छुटकी बाहर चल बाहर। कैंडी मैं ऊपर नहीं ले सकती आपको, या काम चल रहा है ना, कैंडी बाहर जाके खेल ले। भैया ये नींबू किस लिए लगेगा? ये टाकी साफ करने के लिए। टाकी साफ करने के लिए? अरे देखो ये फाड़ने में लगी है पूरा, आज काम भी चल रहा है साथ साथ ये भी अपना काम कर रही है। अरे पहले तुम लोगों से तो मिल लो, हेलो तो बोल दो, अपनी गर्दन का हाल तो बता दो लोगों को क्या हुआ हुआ है। तुम तो हिल ही नहीं पा रहे हो इधर से उधर, बड़ा मुश्किल है भाई। दोस्तों जो मैं जिमनास्टिक के लिए गया था वहाँ पे सब कुछ तो ठीक रहा, थोड़ी सी कहीं मैंने ऐसे ही मस्ती कर दी और थोड़ा ना मेरे को थोड़ा नहीं बहुत खतरनाक वाला स्प्रेन आ गया नेक में, तो सुबह से आइस पैक और वो कर रहा हूँ अभी। इतना ये रेंज ऑफ मोशन यही है। रात में करवट बदलना भी बहुत मुश्किल था, बट ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है कभी कभी स्प्रेन, लेकिन मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा। इट विल टेक 2-3 डेज। तो बैक में पेन था, अभी नेक में आ गया, और कल परसों कोई तो को बहुत डेंजरस स्क्वाट्स किए थे, तो थाइज में भी बहुत ज्यादा है, तो अभी मेरी पूरी बॉडी लॉक हो चुकी है। तो मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया वर्कआउट से, और आप देख सकते हो मैं एक रोबोट की तरह बात कर रहा हूँ, ऐसे ही चलना भी पड़ रहा है। कवर उठवा दो यार, ऊपर रखो, इतना सारा तो उसे फाड़ के अलग कर दिया है, इतनी बदतमीज है ये, मानती भी नहीं है। चलो तुम जाओ अंदर, मैं आ रही हूँ। हाँ नींबू से भी क्लीन हो रहे हैं। तेरे बैठने से बेटा क्या होगा यहाँ पे, क्यों अकेले ऐसे बैठी है, मैं भी गोदी में भी नहीं ले सकती तेरे को, जाना अंदर। एक्वा गार्ड का तो काम करा लिया मैंने, और अब अविनाश चला गया नहाने के लिए, अब मैं बाद में नहाती हूँ, उससे पहले सोच रही हूँ कॉफी भी पी लेती हूँ। आप कैसे डालते? लाओ लाओ लाओ, मैं डालती। छोड़ो गिरा दो, हाँ तो ऊपर से ही है दीदी, हो गया, बाकी पानी जो है उसको पी लेने का, पी ली, बाकी के कैप्सूल हैं उसको फेंक देने का। नहीं दीदी नहीं नहीं, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला पहले इसको, हाँ तो फेंक दूंगी, सारा फेंकना है पानी। हाँ। खोल के चला देना है, एक बार खाली कर रहे हैं, छिट्टा पड़ेगा ना तो बोतल में फेंकते जाऊंगी। नहीं फायदा नहीं दीदी, काफी निकलेगा ना, तो आपको ये तो बहुत लंबा काम कर दोगी। तो क्या करूँ? कुछ नहीं, इसको खाली करो, इसको हटाओ और निकलने दो पानी। अच्छा छिटके का दीदी पूरा? दीदी फिर तो आपकी मर्जी है ना, जब मेरी सुननी ही नहीं है और अपना ही करना है, तो फिर तो छिट छिट छिटकेगा और फिट फिट फिटकेगा, बाहर निकलेगा पानी। अरे दीदी बहुत जिद्दी हो, जो मन करे दीदी आपका कर लो, मुझे जीने दो। बांध दिया, भर दिया मशीन। क्या दीदी? मशीन भर दिया, देखता है कितना गंदा पानी है। देखो देखो गंदा पानी, पता थोड़ी चलेगा कितना गंदा है, साफ ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा ना दीदी, उसने बोला है ना पूरा मशीन खाली कर रहे हैं, आपको साफ दिखने से पानी साफ नहीं है, अभी नया लगाया है मशीन को, साफ करना है। मैं बेटू चला जा बाहर, आ जा मम्मा के पास, धूपी धूपी में बैठेंगे ना, हड्डी खुलती है फिर। अच्छा अरे दीदी अकेले में कुछ बोल रही हो क्या? खोल दिया। क्या खोल दिया? पानी। हाँ बस ठीक है ना, निकलने दो पूरा पानी, ये सही तरीका है ना, वरना आप ही इतना थक जाओगी, फायदा क्या? अब वो मेरे को रख दो या कपड़े को रख दो, किसी को भी रख दो। चल मेरे बेटू इधर बैठ, धूपी धूपी सेकेंगे, चलो हटाओ इसको। आई कोको पे धूप आई, आई राजा पे, हाँ ठीक है, चल चलो सब धूप सेकेंगे। कॉफी बनाना भूल गई, कहाँ लाया मेरे चितंका, कहाँ लाया मेरा चितंका। अभी
कैसा लग रहा है तुम्हें? गर्दन तो मेरी लॉक हो गई है बिल्कुल। बेबी तुम्हें मालूम है कल रात को तुम हिल भी नहीं पा रहे थे, तुम इतना करहाए हो ना। ये एक्चुअली आपको बता नहीं रहा है लेकिन इसको बहुत ज्यादा लग गई है, इसको नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है। इट्स नॉट राइट बेबी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो ना, आइस पैक वगैरह लगाऊं। डॉक्टर को फोन किया था, उसने बोला आज अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन आप आइस पैक लगाओ, आज पूरा दिन आइस पैक लगाओ, कल हॉट वाटर बैग लगाना। बिल्कुल ही नहीं टर्न कर पा रहे हो ना तुम, और तुम्हें यहाँ भी चोट लगी है पूरी, ये देखो ये भी चोट लग गई है पूरी, ये देखो आप दो रुको पकड़ लगा दो आइस पैक। लेके आती हूँ ये वाला। हाँ ये वाला लगाओ। व्हाइट वाला नहीं? नहीं नहीं ये हाँ। आ, आ, थोड़ी देर लगाओ। समझ सकती हूँ बेबी, समझ सकती हूँ। ये लेना आसान नहीं है लेकिन तुम्हें जो दर्द है ना बेबी वो ये ही खोलेगा। नेक सपोर्ट भी लगाऊं क्या? हाँ मेरे को लगता है तुम्हें नेक सपोर्ट लगानी चाहिए। लेकिन वो पहन के बाहर थोड़ी जा पाऊंगा। पहले तो इसको लो थोड़ा सा। अच्छा। ऐसे पीछे होके बैठ जाओ, तकिया ले लो ऊपर को, लो मैं रुको रुको मैं बताती हूँ, पीछे हो जाओ, आ जाओ पीछे आ जाओ। एक सेकेंड। अब क्या एक सेकंड, पीछे जाने के बाद मत बोला करो ना, एक सेकंड। ये लो, वापस आने को नहीं होता फिर उसके बाद। तुम्हें सपोर्ट दे रही हूँ, ठीक है अभी? ठीक है, क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की बेबी। फाइनली मैं नहा ली हूँ, चेंज वेंज करके पूजा करके अब मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कोको क्या हो गया बेटा? उठो उठो उठ के चलो, उठ के चलो, उठ के चलो, चलो चलो मेरा बच्चा चलो। तब मैं अपना वेट करूंगी सर के लिए, बाहर बहुत ठंड है। आई डोंट नो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अंदर की तरफ कहीं एक्सरसाइज करूं, मतलब बाहर हवा में नहीं करूं, क्योंकि हवा ना मेरे सर पे लगती है बहुत ज्यादा एक्चुअली। तो अभी देखती हूं कहां जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना घर पे ही करूंगी। घर पे मैं करना नहीं चाहती, ये चारों करने ही नहीं देंगे, इन्होंने इतना भौंकना है ना, ये मुंह पे चढ़ी होगी, एक पेड़ पे चढ़ी होगी, फायदा क्या। हमारे जिम में ना यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी तक बाहर कर रही थी एक्सरसाइज, लेकिन बाहर ना मेरे को इतनी तेज सर्दी पकड़ी ना, तो अभी डिसाइड किया कि ये एक पैसेज एरिया है हमारे यहाँ पे, यहीं पे मैं एक्सरसाइज कर डालूँ। तो मैं शुरू कर रही हूँ, मतलब वार्म अप करा है, हुई नहीं है बॉडी, लेकिन आधी अधूरी हुई है, अब करूंगी, क्योंकि वार्म अप नहीं हुई ना मेरे को और वो हो जाता है, कुछ ना पुल हो जाता है, तो वार्म अप और करूंगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं एकदम रेडी हूँ जी। मैं थोड़ा नीचे उतरी हूँ क्योंकि मैंने विकास को बोला था कि आज कोको जब नीचे उतरेगा मुझे साथ में आना है, और मुझे साथ में देखना है कि कोको की वॉक कैसी है। मैं थोड़ा सा वरिड हो रही हूँ कोको के लिए, और एक्चुअली आज मैं आपको कैसे बताऊँ, आज मैं ना बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ कोको के लिए, मुझे आज घबराहट हो रही है क्योंकि मैं देख रही हूँ कई बार कोको लेटता है और वो उठता नहीं है या उठ ही नहीं पाता है, वो चीज मुझे वरी कर रही है। मैं कितना भी देखो मल्टीविटामिन्स कितने भी दे दोगे या खाना पीना बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन फिर भी बार बार मैं जो उठा के रख रही हूँ तो इसके पीछे के पैर जो है ना वो इसको सहारा नहीं देते, स्पेशली घर पे। अब घर की टाइल्स की वजह से भी पैर इसके बहुत फिसलते हैं, जो कि हम लोग उस चीज का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज मेरे को ना, मैं जब देख रही थी ना इसको कोको को, तो आज मुझे बहुत घबराहट होने लग गई, और इसलिए आज मैं नीचे आई हूँ, और मैं कोको को 2-3 राउंड खुद भी दूंगी। आप देख सकते हैं कोको को, ये रहा चल रहा है, ये देखो कुका मेरा बच्चा, ये आजा। अच्छा अच्छा चल आ जाओ, चल चल मेरे बच्चे, चल तुम एक काम करो विकास, तुम जाओ, मैं इसको लेके वॉक जाऊंगी ऊपर। तो ये चक्कर है, मैं आप लोगों से भी ये चीज शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो या आप बहुत खुश रहते हो हमेशा, कई चीजें मुझे बहुत वरी कर जाती हैं, और कोको आज मुझे बहुत ज्यादा वरी कर रहा है। ऊपर से अविनाश नहीं है घर पे, अविनाश बहुत ज्यादा बिजी है काम में, अविनाश को मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। बार बार आप अपने बच्चे को ऐसे देखते हो ना, आपको बहुत तकलीफ होती है। एंड विद दिस मैं आपको ये भी बता दूं कि कोको की एज अब 18 कंप्लीट कर गया है, वो 19 में एंटर कर गया है, मतलब अब इस एज में फिर वही कहते हैं ना लोग कि और क्या एक्सपेक्ट करते हो, बट यार ऐसा नहीं होता ना, आपका दिल तो भरता है ना, आपका दिल तो खराब होता ही है ना जब आप इसको ऐसी हालत में देखते हो। बिल्कुल ऐसा कुकुड़ सा बन गया है। बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको बहुत ज्यादा मैं लाड करूँ, लाइक व्लॉगिंग नहीं भी कर रही होती हूँ तब भी इसको मैं बहुत ज्यादा वो देती हूँ, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, घर पे मिलती हूँ। चल मेरा बच्चा जी। इस बीच पे अविनाश अब घर पे वापस आ गया है, चेरी उसके प्यार में डूबी हुई है, और मैंने बैठे बैठे अपने नेल्स भी करा रही है, मतलब ऑलमोस्ट वही सेम ही कराए हैं क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे, और छोटे थोड़े छोटे करा लिए पैर के भी और हाथ के भी नेल्स करा लिए मैंने, और मेरी गर्दन अब थोड़ी थोड़ी घूमने लगी है आइस पैक के बाद। दर्द बहुत है लेकिन अब काफी बेटर हो गया, मतलब मूवमेंट आ गया है वापस मेरा। थोड़ा सा अभी और लगा दूं? अब तो गर्म लगाएंगे, ठंडा नहीं, रात हो गई ठंड लग जाएगी। आइस पैक से ही फर्क पड़ेगा तुम्हें? आइस पैक से ही पड़ा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था पहले थोड़ी देर आइस पैक लगाओ और उसके बाद गरम लगाओ। अरे वो क्या ले गई दीदी अंदर, क्या कुछ तो छुपा के लेके गई अंदर। तुम जल्दी जाओ पकड़ो उसको, जल्दी पकड़ो, प्लास्टिक प्लास्टिक खा जाती हो। कहाँ है तुम? कुछ तो लेके गई, कुछ क्या लेके गई? मेरा मास्क लेके गई है। ओ, छोटी कितनी चंट है, दीदी चोरी से मेरा मास्क लेके गई।
ये देखो ये चोरी हुआ था मेरा मास्क। मास्क तो खाने दो। मैं क्यों खाने दूं उसको मास्क? मास्क ही चाहिए उसको, तो मास्क भी चाहिए। जा जा गोदी में जा। चलो मामा कितनी चोरी। एंड मैंने कोको को काफी घुमाया, अच्छी तरह से घूमा कोको। आज तो ये भी नाइट सूट नया लग रहा है। नाइट, अरे यार पहना हुआ पहले। बेबी ये तो नया है। नहीं नहीं, तुम तीन चार एक साथ नए लाई हो। अब वो बैक टू बैक खुल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी एक आदत से तुम पकड़ी गई आज। कैसे? जब तुम नई चीज लाती हो तो तुम उसे तुरंत पहनती हो। नहीं तो वो तीनों तुमने लाइन से पहने हैं। ऐसा है ही नहीं। तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। चेरी उसमें फिट भी नहीं आ रही है, वो बाहर निकल रही है देखो ना। नहीं लेकिन उसको अच्छा लगता है, ये इधर अकेली सोती है और वो उस कोको के साथ जाके वहाँ सोती है। देखो मामा भांजी बहुत बन रही है, वो उसी के पास सो रही होती है। मैं भी सुबह तक इसके पास नहीं आके सोती। उसको धक्का दे पाती है ना कि उधर हो जा मुझे सोना है, बाकियों पे चलता है कुछ। हाँ कहता, बाकियों पे जोर नहीं चलता ना। चेरी का पिछवाड़ा तो गद्दे से बाहर है। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती फिट कर रहे हो भाई? बड़ा बिस्तर ले लो बच्चे के लिए, बड़ा सर ले लो। फिट है सब फिट है, सारे अपने अपनी जगह फिट हो गए हैं। कुत्ते बिल्ली मैं यही सोने के लिए। आपको मिलते हैं हम लोग कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेज एंटरटेनमेंट। अब सच बता दो, तीन तो मैंने नाइट सूट देख लिए हैं, चौथा भी है? नहीं है बेबी, पुराने हैं। अब मतलब चौथे का कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल पर, इंतजार कीजिए अगले नाइट सूट का। धन्यवाद।